एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था न्यूरॉन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। ठीक है, तो देखो जो न्यूरॉन है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्व सिस्टम की। तो अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं, न्यूरॉन के थ्री टाइप हैं। एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या इसको हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, एक है मोटर न्यूरॉन। देखो थ्री टाइप है न्यूरॉन के, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और एक है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन, देखो सेंसरी से ही हमें पता लग रहा है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन हमारे क्या है, जैसे कि नोज, आइज, ये सारे हमारे, जैसे स्किन, हमारे फाइव सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का काम क्या होता है, टेस्ट, स्मेल या लिसनिंग, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं बाहर के स्टिमुलस को। ठीक है, ठंडा गर्म ये सारा हम सेंस ऑर्गन के थ्रू ही क्या करते हैं, फील करते हैं। तो जो सेंसरी ऑर्गन में न्यूरॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। सेंसरी न्यूरॉन आर फाउंड इन द आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, देखो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, द न्यूरॉन्स विच कैरी इम्पल्सिस या हम बोल सकते हैं मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन इज कॉल्ड ए सेंसरी न्यूरोन। सेंसरी न्यूरोन का काम होता है कि जो हमारे रिसेप्टर है, रिसेप्टर यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से मैसेज को कैरी करना और उसको कहाँ पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हम क्या करते हैं, गर्म पानी में हमने हाथ डाला है तो वो हाथ को वो गर्म लगा है। ठीक है, तो हाथ को वो गर्म लगा यानी कि जो हॉटनेस हमें फील हुई है वो किसकी वजह से फील हुई है, सेंस ऑर्गन से। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, उस हॉटनेस, जो वो मैसेज मिला हमें, वो गर्म लगा है, उस मैसेज को हमारे रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि जो हमारी स्किन है, हमारा हाथ में जो जो स्किन है वो क्या एक रिसेप्टर का काम कर रही है, तो उस रिसेप्टर से वो उस मैसेज को कहाँ लेके जाता है, ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या बोलता है कि ब्रेन फिर रिस्पॉन्स करता है, तो तब हम क्या करते हैं, उस हाथ को उस पानी में से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस होती है हमारे जो नेक्स्ट टाइप है न्यूरॉन के, उसमें। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका काम क्या होता है कि जो हमारे रिसेप्टर है वहाँ से मैसेज को कैरी करके उसको कहाँ तक पहुँचाने का, ब्रेन तक पहुँचाने का। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका, जैसे रिसेप्टर है जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से जो वो स्टिमुलस होगा या बाहर एनवायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कैरी कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है, और फिर उस मैसेज को वो सेंड कर देता है ब्रेन में। ठीक है, तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस टाइप की होती है, एक लाइन, फिर ऐसे मैंने ये क्या सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई, फिर नीचे फिर एक लाइन है। ठीक है, तो ये होती है सेंसरी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है सेल बॉडी, और इसके ऊपर वाले डेंड्राइट है, और ये क्या है, इसका ऑक्सिन है। तो देखो यहाँ पे एक ही डेंड्राइट दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनमें ओनली वन डेंड्राइट होता है और वन ही ऑक्सिन होता है। दे हैव ओनली वन डेंड्राइट एंड वन ऑक्सिन। ठीक है, और देखो जो मैंने अभी बताया था, वी फील हॉट, कोल्ड, टेस्ट, स्मेल, सी विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये हमारी हेल्प करता है ठंडा, गर्म, टेस्ट, स्मेल, इसमें क्या करने के लिए, उनको फील करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि हम जो ठंडा है, कोल्डनेस है, हॉटनेस है, टेस्ट, स्मेल, ये सारे के सारे हम किस वजह से फील कर पाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से। ओके, नेक्स्ट टाइप है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं, ये कोऑर्डिनेटर के अंदर पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो एक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, इंटर न्यूरॉन कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है उनका जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटर न्यूरॉन के थ्रू होते हैं, कि एक जंक्शन का काम करता है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड सेंड टू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो देखो जो इंटर न्यूरॉन है वो क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ने जो इन्फॉर्मेशन कैरी की थी ये सेंसरी न्यूरॉन से उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और उसको कहाँ भेज देता है, मोटर न्यूरॉन तक। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन तक मैसेज कैसे आया है, थ्रू ए इंटर न्यूरॉन। ठीक है, और ये क्या, ये आप बोलोगे कि ये इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करवाता है। ओके, तो जो इंटर न्यूरॉन होता है उसकी स्ट्रक्चर देखो ये वाली, इसमें बहुत सारी डेंड्राइट और बहुत सारे ऑक्सिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है, जो इंटर न्यूरॉन है ये कोऑर्डिनेटर में मिलता है। कोऑर्डिनेटर क्या है, स्पाइनल और ब्रेन है। तो यानी कि आप क्या बोलोगे, जो ब्रेन है हमारा और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं इंटर न्यूरॉन के। ओके,
जैसे कि हमने देखा था कि किडनी किसकी बनी है, नेफ्रोन की बनी होती है, तो ऐसे ही जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें वो किसके बने होते हैं, इंटरन्यूरॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन में क्या होता है, दे हैव मैनी डेंड्राइट एंड ऑक्सिन, क्योंकि हमने डायग्राम से देखा कि ऊपर डेंड्राइट दिखाई गई है, क्या इसके ऑक्सिन हो सकते हैं, तो इंटरन्यूरॉन में एक से ज़्यादा भी बहुत सारी डेंड्राइट पाई जाती है और बहुत सारे ऑक्सिन होते हैं, ओके। तो थर्ड टाइप है, जो लास्ट टाइप है, वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो देखो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो द न्यूरॉन विच ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन इज कॉल्ड ए मोटर न्यूरॉन। देखो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, यहाँ तक मोटर न्यूरॉन तक मैसेज पहुँचा दिए गए हैं किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के थ्रू। फिर ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है उन मैसेज का, और वो क्या कर देता है, ट्रांसमिट करता है ये मैसेज कहाँ से, ब्रेन से कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि हमने गर्म पानी में हाथ डाला है तो वो जो हॉटनेस फील हुई है वो किसके वजह से हुई है, सेंसरी न्यूरॉन यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन से, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट था। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, उस मैसेज को लेके जाता है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक, ब्रेन तक आया है तो ब्रेन में क्या है, मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मैसेज किसके थ्रू आया है, इंटर न्यूरॉन के थ्रू आया है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन फिर क्या करता है, उस मैसेज का रिस्पॉन्स देता है हमारे ब्रेन से कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन हमारा हैंड था तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस हाथ को गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है। तो आप इसको जर्नली में वे में ऐसे लिख सकते हो कि जो इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज पहुंचा दिया हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में क्या हुआ है, उसका रिस्पॉन्स हुआ है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया है उसको रिसीव करता है और फिर उस रिसीव मैसेज को वो सेंड कर देता है सेंसरी यानी कि रिसेप्टर के अंदर, ठीक है। जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, जो इफेक्ट हुआ है स्टिमुलस से, उसके और उस मैसेज को सेंड कर देता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। स्ट्रक्चर है मोटर न्यूरॉन की, वो ये होती है जो हमने स्टार्टिंग में पहले वाली वीडियो में स्टडी किया था कि इसमें ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है जो ऑक्सिन होती है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, ओके। सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लास्ट में होती है इसकी नर्व एंडिंग। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो मोटर न्यूरॉन होता है, दे हैव मैनी डेंड्राइट एंड वन ऑक्सिन। ये क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी डेंड्राइट होती हैं और एक क्या होती है, इसमें ऑक्सिन होती है। देखो क्लास 10th लेवल तक जो मैं इन नोट्स में पढ़ा रही हूँ वो बहुत है, लेकिन जैसे आप प्लस वन प्लस टू में जाओगे बायोलॉजी में, फिर आप इसको डिटेल में जानोगे, ठीक है। तो क्लास 10th के लेवल्स के लिए आपको ये बहुत है जो मैंने अब ये करवाया है, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन में क्या था, ओनली वन डेंड्राइट था और वन ही ऑक्सिन था, ओके। फिर आया है हमारा क्या है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन में क्या है, मैनी डेंड्राइट थी और मैनी ऑक्सिन था। लेकिन अब है ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या होती है, मैनी डेंड्राइट होती है और वन ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो अब मैं इन तीनों का आपको कंक्लूजन बताऊंगी कि मोटर न्यूरॉन क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज को कैरी करके कहाँ पहुंचाता है, उसको इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। ये देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है रिसेप्टर से और उसको कहाँ पहुँचाता है, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर यानी कि जो इंटर न्यूरोन है, ओके। और रिसेप्टर क्या होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है। और न्यूरोन इंटर न्यूरोन का काम क्या करता है, होता है इंटर न्यूरोन उनको इंटरप्रिएट करता है उस मैसेज को, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करता है और उसको एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए उसको सेंड कर देता है कहाँ पे, ब्रेन में, ओके। तो ये फंक्शन होते हैं इन तीनों के। अगर डिफरेंस पूछा जाए इसमें सेंस न्यूरॉन में और सेंसरी न्यूरॉन में और मोटर न्यूरॉन में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करता है, वो मैसेज को रिसीव करता है कहाँ से, रिसेप्टर से, और उसको सेंड कर देता है कोऑर्डिनेटर या ब्रेन में, ओके। और जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है कहाँ से, कोऑर्डिनेटर से, और उसको क्या कर देता है, सेंड करता है इफेक्टर तक, या ये रिसीव करता है मैसेज ब्रेन से और उसको सेंड कर देता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।